God. Wheels on the ground. बड़ी गाड़ी कौन सी गाड़ी? ये वाली अरे शुरुआत यहीं से की हो, ठीक है? ओह माय गॉड, तो किसी भी राइड की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। पहले पूरी रात सपने देख रहा है, रात को डिनर पे बोला सुबह ना मैं भूसा चलाऊंगा, आप चलाना टाइगर, मिल बांट के चला लेंगे, और ना जो अपना मीटअप है लखनऊ वाला उसमें धमाल मचा देंगे। अभी भाई साहब ने मैंने पूछा क्या चला रहे हो, बुद्धि से काम लिया, ठीक है? सही मैं जाऊंगा सिटी में आराम से निकल जाऊंगा। अरे भूसा में भी आराम से निकल जाते तुम। अरे तो अभी भूसा का मजा हाईवे पे लिया जाएगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? 3-2-1 लेट्स गो। आपकी इतनी उछलती है, देखो झूठा लेना सी भाई, मजा तो है ऐसी बाइक्स का, सस्पेंशन होता है एक नंबर। ये देखो डांसिंग कार, खूब देख लिए डांसिंग बाइक है। हाँ चिक्कचे। 3-2-1 तुलसी गो तुलसी। सो भाई आपने होटल पहचाना है? सेम होटल है, हम आते रहते हैं, एक्चुअली पिछली बार भी यही रुके थे ना, तो स्टाफ हमें जानता है। आए अच्छा लगता है साहब, अच्छा लगता है। तो निकल रहे हैं यहाँ से, बढ़िया स्टे था एज यूजुअल, खाना एक नंबर था भाई, खाना कोई बीट नहीं कर सकता, बहुत अच्छा था। अभी तक का मेरा इस ट्रिप का सबसे बढ़िया डिनर कल हुआ था, सीरियसली। लौंडे इतने सारे लौंडे, क्या हाल है, क्यों इतना पेन ले रहे हो? बहुत दूर है ये शहर से, तू सोया नहीं फिर से? नहीं, मैं भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, चलो बढ़िया। कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब आराम से चलाएंगे। बस एक ही रूल, एक पॉलिसी हमारे साथ चलने का, गो लोलो स्लो, मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा था, वो थोड़ी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है ना कभी कभी। तो दोस्तों, दिस इज आई गेस द मोस्ट हैपनिंग प्लेस हेयर इन लखनऊ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आई से मेरे को बढ़िया दिखता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कुछ कुछ याद आता है साहब। बिल्कुल लेफ्ट में आ गया शिरोज कैफे, शिरोज हैंगआउट, और राइट में है ये अंबेडकर पार्क। बहुत क्रेजी, मैंने एक्सप्लोर किया था इसको, तो भाई एंट्री होने वाला है। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं आगे में, क्या कह रहा है? ये रहा, पहुंच गया, ये लेफ्ट वाला है। क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ जी। हाँ जी लवली पीपल, की हाल चाल? हाउ द जोश? ऑसम। एक रिक्वेस्ट है, बस बाइक खड़ी करने दो, हेलमेट उतारने दो, मिलेंगे आपसे, मिलने आए हैं तो कोई जल्दी नहीं करेगा, हमारे पास बहुत टाइम है। ओके थैंक यू। 200 ऑसम मैन ऑसम। सारी यादें ताजा हो गई, एक मीटअप किया था, कौन कौन आया था? यहीं पे आए थे हम लोग, सही है, सब याद आ गया। हाँ जी सही है, आ जाओ भाई, क्या देखते हैं? अच्छा थैंक यू, आपसे तो स्पेशल हाथ मिलाना पड़ेगा।
हम आपका 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? सॉरी मेरे भाई, सॉरी 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 मेरे भाई। तो अभी क्या है ना, मैं बिहाइंड द स्टेज बैठा हूँ, ऐसे कह सकते हो। इधर में चल रहा है इवेंट, मैं थोड़ा खाली में बैठा हूँ, सब लोग उधर हैं, मैं बस पानी वानी पी रहा हूँ, आपसे बात बात कर रहा हूँ। बट हाँ, यादें सारी ताज़ा हो गई शिरोज कैफे की। फर्स्ट टाइम आया था ना, बड़ा मज़ा आया था। मेरे को याद है मैं लेदर्स पहन के आया था, मतलब लेदर जैकेट लिया था मैंने, नया नया RST का, वो पहन के आया था और सनी की भूसा चला रहा था मैं। अपने लिए बड़ा मज़ेदार वो रोड ट्रिप था। ये भी वही है, रिजॉइस कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और अच्छी बात है ना, अपने भाई लोग साथ में हैं, तो सनी और मैं दोनों हम BTS में। प्लीज मेरे को बुलाया जा रहा है, समझा करो, चलो आ जाओ फिर फटाफट। हाँ जी, अभी किसी ने मेरे को सुबह सुबह ढूंढने का भाभी भी मिला दी, जो बंदे ने कल पैक कर सो फार। आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ एनर्जी हियर, तो एक बार जरा देख लेता हूँ। चलाने के लिए हम पैशनेट हैं, और हम भी बोलते हैं कि भाई देखो, जो आपको सुकून दे, या जो आपको, जैसे बोलते हैं ना कि लोग ड्रग्स करते हैं या ऐसे बोलते हैं कि नशे करते हैं, हम आपको यहाँ पे इंस्पायर कर सकते हैं कि राइडिंग एक अपने आप में नशा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो आप अगर सक्सेस का नशा चखोगे ना, आप ये सारे जो ड्रग्स या उल्टी सीधी चीजें हैं इनको छोड़ दोगे। सुबह थोड़ा सा सीन हो गया मीटअप में, पुलिस आ चुकी है और हम भाग रहे हैं यहाँ से, हम भाग रहे हैं लिटरली। जो हाथ में आ जाए वो लेके भाग रहे हैं। भागो 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 बाजी भाई साहब, मतलब पुलिस वाले कह रहे ज्यादा ही शोर आ रहा है, तो हम जरा, ओ भाई साहब बहुत सारी पुलिस है भाई, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं, मतलब पूरा रास्ता ही बंद कर दिया, पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। Oh God, this is what? On what level this is happening? बाहर भी नहीं जाने दे रहे, पैदल बाहर भी नहीं जा रहे थे ना, पूरा पैदल भी नहीं, पैदल भी नहीं जा सकते हो। पेरेंट्स बुलाए जाएंगे, सबको बुलाया जाएगा, DL चेक होंगे, क्या बात है। नहीं नहीं यार, वो ऐसा करे, कोई उनका अधिकारी निकल के जा रहा है ना, तो वो नहीं निकल जाए तब तक आप लोग। हाँ, तुम यार ऐसे ही तुम अफवाहें फैला रहे हो, अफवाह फैलाना, तो कोई दोस्तों ऐसा होगा, कोई VIP मूवमेंट है तो पुलिस वालों ने गेट ही बंद कर दिया, बोल दिया सब अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि बाइक्स बहुत सारे हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं, सो उनको भी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। हाय भाई, मीनवाइल यहाँ कोई नहीं खड़ा होगा, चलो चलो भाई, चलो सब मेरे पीछे आ जाओ, फटाफट फटाफट से फटाफट से, कोई बाहर नहीं रुकेगा, आ जाओ यार फटाफट फटाफट फटाफट। तो एक्चुअली क्या हुआ ना दोस्तों, कुछ लोग बाहर थोड़ा सा फास्ट बाइक चला रहे थे, रेव कर रहे थे, उसकी वजह से कॉप्स को किसी ने कॉल कर दिया होगा। ऑल दो वी हैव ऑल द परमिशंस एंड एवरीथिंग, सब कुछ सॉर्टेड है। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबको अंदर लेके आ रहा हूँ, कि सब अंदर आओ, फोटो शोटो खींचते हैं, टाइम पास करते हैं, इतने में सब सॉर्ट हो जाना है ना भाई, टेंशन है नहीं कोई। अब ऐसे ही होता है ना, किसी के चक्कर में कोई फंसता है तो ऐसा है, बाहर आके लोग रेव कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, तो कोई कंप्लेंट तो करेगा ही, है ना। आजो भाई आजो सारे, तुमने आते ही काम शुरू कर दिए, आधा घंटा हो गया ढूंढते हुए, समझ नहीं आ रही तुम्हें हैं? इनको भेजा मैंने अंदर, इतनी मेहनत करी, दुबले पतले हो गए, देखो ढूंढ रहे हैं कितनी देर से, कमाल कर दी इन्होंने, फिलहाल भाई हम निकल रहे हैं, सब जा चुके हैं, एक सुपर बाइक बस वहाँ खड़ी है, मतलब टेनर खड़ी है ब्लैक कलर में, वो भी जा रही है, कॉप्स भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, मीटअप हो गया ठीक ठाक से, अब आगे बढ़ते हैं। We are looking forward for Asansol, Burdwan and specially Kolkata. मचा डालेंगे भाई, पिछली बार क्या था मीटअप, आज भी यादें आती हैं, भुवनेश्वर एंड कोलकाता। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों फुल जोश के साथ हम लोग आगे निकल रहे हैं टूवर्ड्स वाराणसी, कहने को थोड़ा लेट तो हो गया है बट ठीक है, अभी 11:20 हो रहे हैं, नॉट बैड एट ऑल। व्हाट अ रोड, व्हाट अ शानदार रोड यार,
तो ये था जी हमारा मीटअप पॉइंट, और सामने में देखो कितने बढ़िया रोड हैं, और दिस इज अ पब्लिक स्पॉट मैन, यहाँ एंट्री होती है, टिकट लेके जाना होता है। मैं भी गया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा, दिस इज अम्बेडकर जयंती पार्क। और इधर सन्नी ने आते ही बूसा पे हाथ लगा दिया है, ये कह रहा है कि बस अब बूसा मैं चलाऊंगा, इस पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं उस पे कंफर्टेबल हूँ। देख रहे हो भाने, हाइट ऑलमोस्ट सेम है हमारा, बट नहीं, कंफर्टेबल नहीं है भाई साहब इसके ऊपर में, कह रहे हैं बूसा पे ठीक हूँ मैं, या मैं ये चलाऊंगा। बट अच्छी बात बताइए इस रोड ट्रिप की, आप मिल बांट के सारा कुछ चला लेते हो, जैसे कल मैंने गाड़ी चलाई थी कितने घंटों के लिए, 4 घंटे से ज्यादा कल मैंने गाड़ी दौड़ाई, वो भी मजा था अपना, एसी में बैठे थे, एंड अभी बाइक दौड़ाएंगे। बट जल्दी से अभी लखनऊ को बाहर कर देते हैं, बट रियली नाइस रोड मैन, वाओ। हमेशा इसको ना मैंने दूर से देखा है, मतलब वहां से हाईवे से देखा है, बट इतनी फास्ट से देख रहा हूँ। व्हाट अ ह्यूज मॉल मैन, फीनिक्स प्लाजियो। तो यहाँ पे रुक रहे हैं हम लोग, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। मुझे तो तलब हो रही है कोल्ड कॉफी की, भाई कोल्ड कॉफी चाहिए। अभी मैं एक बात इनको बताना चाह रहा था कि देखो कैसे रोड ट्रिप का हमारा रिश्ता कैसा है, रोड ट्रिप यूनाइटेड का, पहले पे भी मैं था, दूसरे पे भी था, तीसरे पे भी था, पहले लेग में सेम रूट में कर रहा था। सो अमेजिंग द फीलिंग इज ऑलवेज ऑसम, और ये जो इनिशिएटिव है ना XBHP का, ये हमेशा ही बहुत बढ़िया है। तो ये शुरू से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम इतने से थे तब भी XBHP के मेंबर थे और आज भी है ना भाई। अरे बस, तो सनी थोड़ी सी चीज, 2003 में स्टार्ट हुआ था XBHP, 2003 एंड अपना फिलोसफी मैच करता है, आपको पता है कि यार हम सेफ राइडिंग एंडोर्स भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, है ना। तो हम बिलीव करते हैं रिस्पॉन्सिबल राइडिंग में। तो चलो मेरे को थोड़ा सा बताओ, आपने बहुत सारी कंट्रीज करी है, रिसेंट वॉज आइसलैंड है ना, तो थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में, सो फार कितनी कंट्रीज घूमे हो। सी XBHP मैंने स्टार्ट करा था, अपनी फर्स्ट मोटरसाइकिल की वेबसाइट बनाई थी, जैसे जेसन भाई हैं, फॉलो भी किया था, क्योंकि भाई आईटी से भी, प्रोफेशन से भी ना हम लोग साथ में एक जैसे ही काम कर रहे थे। मैं भी ग्राफिक डिजाइनर समझ रहे हो, बहुत सारी कॉमन चीजें हैं। और जैसे जसविंदर, जेसन पहले जसविंदर मतलब, तो हमारी मीट्स पे आता था और सुपर बाइक देखने आता था। आज की डेट में लोग मीटअप पे आते हैं इनकी सुपर बाइक देखने, बट जो XBHP 20 साल से है ऑलमोस्ट, उसमें इतने लोग आए हैं गए, जैसे एक होता है स्कूल या कॉलेज निकल के अपने अपने प्रोफेशंस में, अपने अपनी जहाँ पे भी उनको जाना है। सो काम ही यही है XBHP का, कि लोगों को मिलाएं किसी ना किसी तरीके से। पहले तो कुछ भी नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, अब वो हो गए हैं, तो लोग जमाने के साथ चलना पड़ता है। बट अभी भी जैसे हम मीट्स पे जा रहे हैं तो बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, जैसे एनफील्ड वाले सुपर बाइकर से नहीं मिलेंगे एंड सो ऑन। पर यहाँ पे क्या होता है, लोग मिलते हैं, जब स्टेज पे जाते हैं तो लोगों को दूसरे लोगों की स्टोरी पता चलती है और इस तरीके से वो इंस्पायर होते हैं, नहीं तो फिर ऑफलाइन वो बाद में कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं। नहीं देखो, यहाँ तो बात में ही जादू है ना, यूनाइटेड मतलब मिलके, है ना, और यहाँ पे भेदभाव नहीं होता। आप कितने भी सीसी का मोटरसाइकिल चलाते हो, बट टू व्हील्स होना चाहिए, एंड टॉर्च से लेके अब हमारे ट्रिप पे देख लो आप, मतलब बड़े सीसी के हायर कैटेगरी बाइक भी है और वहाँ पे एंटॉर्क भी है, वहाँ पे पल्सर भी है, ऑल्दो सब कुछ सही परफॉर्म कर रहा है, सब साथ साथ ही चल रहे हैं रुकते रुकाते। सो पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लॉजिकल पार्ट बहुत अमेजिंग जा रहा है, तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ सनी भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, एक मोटोग्राफर ऑफिशियल करके है, बट इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूं, इंस्टा इज सो इंस्टा, तो अमेजिंग पिक्चर्स डालते हैं, आप जाके देख सकते हो। इनकी है आईडी द मोटोग्राफर, एंड सेम नाम से है यूट्यूब पे भी चैनल, मोटोग्राफर ऑफिशियल यूट्यूब पे। एंड डेफिनेटली बोल रहा हूँ, अगर आप अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो, बाइकिंग, सेंसेबल बाइकिंग करते हो, तो यू ऑल्सो हैव अ चांस टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म, मे बी ऐसे ट्रिप फ्यूचर में। हमारी एक मैगजीन भी है, प्रिंट मैगजीन, 8,000 पेज छाप चुके अभी तक 12 साल से, सिर्फ एक बार इश्यू मिस हुआ है, वो भी कोविड की वजह से, एक इश्यू बस। आज का दिन दोस्तों वैसे बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि 3 तो यहीं बज गए हैं, देख रहे हो, देखो अच्छे से देखो, 3 बज गए हैं, हम अभी लखनऊ में ही हैं, समझ रहे हो। सिर्फ मेरे हिसाब से हाईवे चढ़े थे 1-2 किलोमीटर के बाद ये होटल आ गया था, यहाँ रुक गए, खाना खाया, 1 बजे से बैठे हैं, 2 घंटे लग गए हमें यहाँ अभी। एंड आपको पता है थोड़ा सा सीन सुबह हो गया था पुलिस के साथ, ऑल्दो सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया, हमारी गलती थी नहीं, आपको मैंने जैसा बताया, कुछ लोग वहाँ पे स्टंट्स कर रहे थे, डोनट मार रहे थे, बर्न आउट मार रहे थे, थोड़ा शोर मचा रहे थे, जिसकी वजह से कॉप्स आ गए थे। आपको पता है वहाँ पे जो एरिया है ना, वो VIP एरिया है, तो मूवमेंट रहती है वहाँ पे, किसी VIP ने देखा, कंप्लेंट किया, तो अब ऑब्वियसली पुलिस को एक्शन लेना था, और हमने अपना काम किया, एंजॉय किया, मीटअप किया, है ना, और रिकॉर्ड भी किया, क्योंकि भैया वी आर ऑल्सो मीडिया, है ना, जो हो रहा है कोशिश कर ही देते हैं हम थोड़ा थोड़ा डालने की।
भाई मैंने कल शाम को ना ये चलाई थी और अभी भी देखो शाम होने वाली है, एक घंटे के बाद सनसेट होगा। बट यार बहुत अच्छी फीलिंग है भाई गुरु जी, बहुत अच्छी फीलिंग है, हाईवे बहुत अच्छा है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, देख रहे हो मैं चला रहा हूँ स्कूटर एंटोर, बड़ा मजा आया। मैंने हाईवे पे मतलब एक्सप्रेस वे पे कम से कम 50 किलोमीटर चलाया, मजा आ गया। अभी रुक रहे हम लोग एक पॉइंट पे जहाँ पे डिनर करेंगे, बेसिकली गोल्डन फॉर्च्यून करके एक होटल है। एग्जैक्टली जगह कौन सी पड़ती है अभी सनी से पूछ के बताएंगे, क्योंकि उसका जो विलेज है ना वो भी नियर बाय है, वो लोकल भाषा भी बोलता है भाई साहब। अभी क्या हुआ, पीछे पेट्रोल पंप पे कुछ लोकल्स आ गए, वो कहने लगे हमें बाइक पे चढ़ चढ़ के फोटो खिंचानी है। अकेले लड़के ने संभाल दिया उनको लोकल लैंग्वेज बोल के, हमसे नहीं संभलते मैं बता रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, आज थोड़ी थकान हो रही है, थोड़ा सा मेरी पीठ में लोअर बैक में भी दर्द हो रहा है। पहुंच गए हम लोग वाराणसी में 11:30 हो रहे रात के, सो इट वॉज टायरिंग। लास्ट के जो 50 किलोमीटर थे ना, नहीं दिल कर रहा था आज बाइक चलाने का, रिस्की था भाई, रिस्की था, अंधेरा था, रोड अच्छा नहीं था। अब वैसे रोड्स खास नहीं है, मतलब एक्सप्रेस वे जैसे तो नहीं मिलेंगे हमें, पता है आपको, है ना। बट ठीक है यार दोस्तों, जैसा भी दिन रहा, अंत भला सब भला, सेफ एंड साउंड सब पहुंच गए हैं। अब कपड़े शपड़े हटाते हैं, मतलब उतारते हैं, एंड कैमरा बंद करते हैं। बाकी डिफरेंट डे ऑल टुगेदर, अभी थोड़ा सा लो हूँ मैं क्योंकि थक गया हूँ और मेरा सोने का दिल कर रहा है। बट बींग अ यूट्यूबर लेट मी टेल यू मैन, अभी मेरे को सोते सोते 1 से 1.5 घंटा लगेगा, सारे गैजेट चार्ज करने पड़ेंगे, सारा डेटा कॉपी करना पड़ेगा। बट अगर आप अप्रिशिएट कर दोगे ना, मतलब चाहे इस वीडियो को लाइक करके चाहे चैनल को सब्सक्राइब करके, सारी थकान उतर जाएगी, लेट मी प्रॉमिस यू। तो इसी प्यारे से नोट पे कर देते हैं वीडियो क्लोज। रहमत मेहनत प्यार, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जेसन, बाय।